जिले भर में डेंगू मरीजों की संख्या 566 तक का आंकड़ा पार कर गई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि लोग सतर्क रहें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। SMO डॉक्टर राकेश हरपाल भी जहां सिविल अस्पताल पठानकोट की ओर से किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी दे रहे हैं, वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लोग सरकारी हिदायतों का पालन करें ताकि जिले को डेंगू मुक्त बनाया जा सके। तक जिले में टोटल 566 केसेस है ने साडे टोटल। कल ऐसी 65 सैंपल चेक हुए सी ते जदों 30 पॉजिटिव आए सी। शहर दे विच जिहड़े मेन जिथे ज्यादा केसेस है ने उन्हां साइट्स दे विच मॉडल टाउन 41 है, लमीनी 32, सैली कुलियां 27 ने, ढांगू 18, सुंदर नगर 12, सैनगढ़ 14, चार मरला क्वार्टर 22, सुंदर नगर फिर 11, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 13, अब रोल नगर 14 ते बजरी कंपनी 13। इन एरिया दे विच साडियां टीमां भी जिहड़ियां ज़्यादा जिहड़ा स्प्रे एक्टिविटी है या फॉगिंग एक्टिविटी है इन्हां साइट्स ते ही ज़्यादा करा रहे काफ़ी। तो बाकी लोगों में यही अपील है कि पानी जरा कट्ठा जरा हों हफ्ते एक बार जरूर बदलो, चाहे वह गमले पानी है या किसी कंटेनर च पानी पिया छत या अपनी फ्रिज की ट्रे जी नीचे वाली उन्होंने भी चेंज करो तुम और सारी बाजू की जी शर्ट पा के रखो। बाकी साडा इतने हॉस्पिटल मेरे को इस वेल 21 पेशेंट दाखिल ने, साढ़े को 36 बैड है हॉस्पिटल में 21 दाखिल ने, जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।